पेरेंट्स लगातार परेशान हैं कि किस तरह बच्चों की एडमिशन स्कूल में करवाई जाए, क्योंकि फिलहाल बात करें तो लगातार स्कूल की अपनी मनमानियां, चाहे वो एडमिशन फीस को लेकर हो, चाहे वो बुक सेशन को लेकर हो, लगातार जो है वो पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। और इसी पर लेकर आज शिवसेना ने भी एक प्रेस वार्ता की, जिस पर जो है तमाम मुद्दे सामने रखे गए, किस चीज को लेकर अभिभावक परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, इन चीजों को उजागर किया गया है। ज्यादा बातचीत करेंगे हम, किस तरह से देखते हैं मैम आज प्रेस वार्ता भी जो है वो आपने की है, पेरेंट्स अभिभावक परेशान है लगातार इस चीज को लेकर, बुक्स जो है वो 7,000 से 8,000 के बीच आ रही है, आपके पास जो डाटा है उस हिसाब से आप क्या कहते हैं? देखिए, जिस हिसाब से जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो स्कूल की मनमानियां स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, चाहे वो यूनिफॉर्म को लेकर हो, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो, चाहे वो फीस को लेकर हो, हर तरफ से जो स्कूल है अपनी मनमानियों से पीछे नहीं हटता और पेरेंट्स को फाइनेंशियल हरास किया जाता है। पेरेंट्स बेचारे क्या करें, उन्होंने तो बच्चे पढ़ाने हैं स्कूल में, वो क्या करें। देखिए, बुक्स की शॉप्स पे उन्होंने पर्टिकुलर बुक शॉप फिक्स की होती है, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म शॉप्स भी फिक्स की होती है, वो कहते हैं कि यहाँ से जाकर बुक्स लीजिए, यहाँ से जाकर यूनिफॉर्म लीजिए। जब बुक्स लेने जाते हैं पेरेंट्स तो हर क्लास के बुक्स के बंडल ऑलरेडी किट तैयार होती है, जाके बताया जाता है कि इस क्लास के बुक्स दे दीजिए, वो बुक्स पकड़ा देते हैं, बुक्स है 6,000 से 7,000 की। तो देखिए, जब एक क्लास से नीचे भी जो बच्चे हैं उनको IQ कंप्यूटर और भी जनरल नॉलेज की बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा बुक्स लगाई होती है जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल वाले पढ़ा सकते हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं वही 7,000-8,000 का जो बंडल पड़ता है, अगर एक पेरेंट का भी 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है 50,000 तो उनका इन्हीं चीजों पर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, जिसके एक आधा बच्चा हो वो भी बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, जिसके 2 या 3 बच्चे हों वो कैसे पढ़ाएंगे इन बड़े बड़े स्कूलों में। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल को भी, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी अच्छा बनाया जाए, ताकि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाए। तो मतलब बहुत मुश्किल है, 6,000-7,000 की जो बुक्स दी जा रही है उनमें से कई ऐसी बुक्स है जो स्कूल में कभी खोल के भी नहीं देखी जाती, तो वो बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चों को पढ़ाना। मतलब कि अदर बुक्स बहुत लगाई जाती है, जैसे उर्दू की होगी, कंप्यूटर की होगी, छोटे छोटे बच्चे क्या कंप्यूटर सीखेंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या उर्दू सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक्शन है जो लिया जाना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को मैं कहूंगी कि जो ये एक्शन लिया जाए स्कूल पर। जो सेशन कमेटी की बात करेंगे, टीम तो 2 गठित कर दी है उन्होंने, पर ना तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए हैं, ना ही कोई ईमेल शेयर की है, ना ही कोई सोशल मीडिया हैंडलर कहीं का शेयर किया है कि जहाँ के पेरेंट्स अपनी शिकायत रख सके। तो किस तरह देखते हैं, सिर्फ पेरेंट्स का मुंह बंद कराने के लिए कमेटी बनाई गई है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? जब से ये फीफ एक्सेशन कमेटी बनी है ना इसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, ना ही मेल दी गई, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर पेरेंट्स किसके पास अपनी जाके गुहार लगाए, पेरेंट्स किसके पास जाएं बात करने के लिए, वो कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, कोई कुछ नहीं। मैं तो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहूंगी कि ये स्कूलों पर जांच की जाए, इन पर हमारी अपील है कि इन पर थोड़ा शिकंजा कसा जाए ताकि ये ऐसा ना करे। आप खुद एक महिला है, आप भी पेरेंट होंगी, किस तरह से आप देखते हैं कि किस चीज की परेशानी आती है, अगर हमने शिकायत की तो कहीं स्कूल वाले बच्चों को ना निकाल दे, तो इस तरह का डर भी पेरेंट्स में देखने को अक्सर मिलता है, तो उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल डर बना रहता है, ये स्कूल वाले क्या करते हैं, एक हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनको कार्ड इशू कर दिया जाता है कि इतने दिन के लिए आप स्कूल में आ नहीं सकते। मगर ये गलत है, अगर हम अपना बच्चा शिक्षा लेने के लिए वहां भेजे जा रहे हैं, अगर हमने उन पर कुछ भरोसा करके भेजा है, अगर वो हमारे बच्चों के साथ ही ऐसा करेंगे, कल को भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चे कहां जाएंगे। मगर ये स्कूल वालों को इतनी सोच नहीं है। देखिए, बिल्कुल पेरेंट्स की बात लेकर सामने आए हैं फिलहाल, क्या कुछ इस चीज को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं, इस चीज को लेकर प्रेस वार्ता भी की है, आप लोगों को इस पर क्या राय है, क्या कहना है इस पर आपका, आप लोग अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप ऑल द टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत।